उस देश की कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, उस देश की कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता, ओ चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। दोस्तों हमारे बीच है आया देश विक्रेता के ऐसे गायक जो पूरे देश में डंका बजा दिया था कि भैया अब सरकार किसी की बनानी है तो बहुजन की, क्योंकि बहुजन के गीत गाते गाते स्टार प्रचारक बने और लगातार जहां जहां बहन जी की रैली होती है वहां पहुंचने का पूरी जोर शोर से कोशिश करते हैं। हमारे बीच मौजूद है विशाल गाजीपुरी और सपना बोधी। सर आप लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सत्या एक्सप्रेस जनता की आवाज़, आपको बहुत धन्यवाद भैया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि पूरे भारत देश के लोग बहन जी को दिल से मानते हैं। कुछ छल कपट से सरकार बना लिया गया, लेकिन इस बार पूरे उत्तर प्रदेश की जनता तय कर लिया है कि बहन जी का सरकार बनेगा, जिसके लिए विशाल गाजीपुरी सपना बोध रातों दिन एक करके गांव-गांव में जा करके हर एक प्रत्याशियों के पास जा करके उनके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। उनके लिए गाना बना करके मैं सेंड कर रहा हूँ, और मैं आप लोग देखे भी होंगे कि आया देश विक्रेता करके मैं जो गाना रिलीज किया था उस गाने को बड़े पैमाने पर आप लोगों ने सुना और विशाल गाजीपुरी सपना बोध की आवाज़ों को बुलंद किया। आज हम लोग बहन जी को उत्तर प्रदेश का पांचवी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए जोश जुनून के साथ लगे हुए हैं। वो आया देश विक्रेता जो गीत जब आप लोग स्टार्ट किए थे, गाया था आप लोग, बहुत ही वायरल हुई थी, अगर दो लाइन उसकी। अरे मैडम, जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीम राव ने बुलंद किया, उस देश की कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, उस देश की कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता, ओ चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। अरे जिस तरह से आप लोग घूम रहे हैं गली गली गांव गांव जा रहे हैं, क्या स्थिति लग रही है बहन जी की? स्थिति यही लग रही है कि अभी आप देखे हैं कि हमारे नौजवान, यही योगी सरकार मोदी सरकार बोली थी कि जो पढ़े लिखे लड़के हैं नौजवान है जाके पकौड़ा बेचें, हैं उनकी स्टेटमेंट आई थी कि वो पकौड़ा बेचें, लेकिन यहाँ पर आने के बाद यही लग रहा है कि वही लड़के आए हैं पागल होके नाच रहे हैं, उनके अंदर जोश जुनून है, कहीं ना कहीं उनके अंदर हौसला है कि बहन जी के आने के बाद शायद हमें पकौड़ा ना बेचना पड़े। जिस तरह से गाजीपुर से आप लोग चल करके बनारस में आए हैं, एक चीज आपसे सवाल जानना चाहूँगा कि गाजीपुर की स्थिति देखा जा रहा है कि जिस विधानसभा में आज विधानसभा से आप लोग आते हैं वहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई है, क्या स्थिति बनेगी वहाँ पे? हम लोग गाजीपुर विधानसभा सारे सीट जीत रहे हैं, कुछ सीटें हैं जो किसी कारणवश निकल ना पाए वो बात की बात है, लेकिन इस बार पूरे गाजीपुर ही नहीं पूरे देश का माहौल बन चुका है और हम लोग गाजीपुर के सारे सीट जीत करके बहन जी की झोली में डालेंगे। अच्छा, आपका जो बहन जी के लिए कोई ऐसा अभी हाल ही में गाना कोई आया है जो? गाना एक हम लोग रिलीज किए हैं कि बहुत हो गया गुंडागर्दी, बहुत हो गया दुराचार, बहुत हो गई गुंडागर्दी, बहुत हो गया दुराचार, अब ना चलने देंगे हम कानून विरोधियों की सरकार, बहुत हो गई गुंडागर्दी, बहुत हो गया दुराचार, अब ना चलने देंगे हम कानून विरोधियों की सरकार, यूपी की बदहाल देख के बोल रहा जन जन जी, अब की बार बहन जी आ रही, सब की बहन जी आ रही, अब की बहन जी आ रही, सब की बहन जी। आपसे आखिरी सवाल ये है कि आज जहां आप लोग मौजूद है बनारस की धरती पर आज तीन ऐसी जनसभाएं हो रही है, पीछे अगर देखिए आप जिस तरह से अखिलेश यादव का सम्मान में सभी लोग जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी क्या दिखाना चाहते हैं ये लोग? हम बता रहे हैं
अभी हम दो तीन बार चक्कर करके गए थाई बुद्ध विहार। अभी हमारे बहुजन मीडिया जो थे, हमारे लोग राहुल नागपाल सर, मनोज अंतानी सर, सुजीत सम्राट सर, और एक हमारे दो तीन पांच लोगों को, छह लोगों को मैं गाड़ी में बैठा करके लेके आया हूँ। तो आया था तो देखा यहाँ पर जो भीड़ थी वही घूम करके आ करके और फिर दोबारा यहाँ भीड़ लगाई। दो तीन चक्कर लोग आ करके वो एक ही जो की रैली, पचास लोगों की रैली बना करके, और बार बार लोग यहीं बहन जी के गेट के सामने आकर के जिंदाबाद कर रहे हैं। तो इससे साफ समझ में आ रहा कि उनके पास आदमी नहीं है, वो बार बार आकर के दिखाना चाहते हैं कि आपकी रैली कमजोर हो रहा है। लेकिन बहन जी की रैली कभी कमजोर हुआ है ना, होगा ना कभी, होता है। कितना भीड़ लगने की संभावना? यहाँ पर लाख से ऊपर, कम से कम 2.5 लाख तो आपके वहाँ पे रैली वहाँ पे था ना, आजमगढ़ में 2.5 लाख था, यहाँ पे लगता है कि 2.5 लाख से प्लस जाएगा। दोस्तों हमारे साथ मौजूद थे आया देश विक्रेता के, जो गीत गा करके पूरे देश में डंका बजा दिया था और लगातार मनवादियों की नींद चैन को उड़ा दिया था। और आपको बता दें कि लगातार जहां जहां जनसभाएं होती है बहन जी की, वहां जाने का काम करते हैं। इनका कहना है कि आज जिस तरह से भीड़ लगने वाली है, सपा और भाजपा की रैली किसी काम की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बहन जी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ मौजूद थे सपना बहुत जी और बसर जी। ठीक है।